हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप एक न्यू ब्लॉग के साथ आ चुके हैं और अभी हम आए हुए हैं गुसाईगंज आए हुए हैं और यहाँ का नज़ारा दोस्तों बहुत ही प्यारा देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ राइड मिली थी, एक पुलिस वाला था, अमित कुमार नाम था, तो उनको मैं लेकर आया था लखनऊ के लखना मालेपुर एरिया से, मालेपुर कस्टमर को लेकर आया था मालेपुर से लाल बत्ती चौराहे से मालेपुर पड़ता है, वहीं पर से मैं लेकर आया था कस्टमर को गुसाईगंज। तो यहाँ पर उसको ड्रॉप किया है मैंने, जिसके मेरे बनते हैं 184 रुपीज़ आज की अपनी ये दोस्तों। अब यहाँ से मुझे लखनऊ वापस जाना पड़ेगा बिल्कुल खाली हाथ, तो राइड अगर बीच में आती तो कोई ठीक है, वरना फिर वापस पूरा खाली हाथ जाएंगे यहाँ से। दोस्तों बिल्कुल खाली जा रहे हैं यहाँ से, जितना भी पैसा कमाया है सब इसी में इन्वेस्ट कर देंगे। साफ्रान सन सैन फ्रान, सामने सन फ्रान स्टेट दोस्तों। और उस साइड में घट्टा दिख रहा है, बड़ा ही प्यारा नज़ारा है यहाँ का। दिन में मैं अभी ऑफलाइन हो गया था, तो अभी मैं आया हूँ ऑनलाइन और नाइट में देखते हैं अभी मिलेंगे फूड ऑर्डर्स। राइट तो मिलनी नहीं ना, फूड ऑर्डर्स आएंगे, देखते हैं दोस्तों क्या फूड डिलीवरी में अर्निंग होती है, मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा दोस्तों, तो वीडियो बने रहिएगा। दोस्तों अभी भी मेरे पास एक ऑर्डर आया है जो था रॉबर्स पे जाकर रॉबर्स लेना था और ड्रॉप करना था डालीबाग में, डालीगंज में, तो ड्रॉप कर दिया उसको और उसमें मिला हमको 28 रुपीज़ अर्निंग हुई है, पास ही में था। दोस्तों एक ऑर्डर और आ चुका है हमारे पास रोवर से, जो रोवर से जाना है पिक करना है और यहाँ से 9 किलोमीटर है और जो 77 रुपीज़ में शो कर रहा है, तो चलते हैं दोस्तों पिक करते हैं रोवर से। दोस्तों अभी मेरे पास एक मोबाइल होल्डर है, माउंट है नहीं जो मोबाइल में हम माउंट कर सकूँ वीडियो बनाने के लिए, तो थोड़ी थोड़ी वीडियो बना रहा हूँ, पूरी अर्निंग मैं आपको बताऊँगा। आज मैं पूरी रात काम करने वाला हूँ रैपिडो फूड डिलीवरी में, देखते हैं दोस्तों कितनी राइड मिलती, कितनी अर्निंग होती है रात में, तो आपको मैं पूरा बताता हूँ, तो वीडियो बने रहिएगा दोस्तों। दोस्तों अभी कर लिया ऑर्डर को पिक और अब चलते हैं, यहाँ से 8 किलोमीटर है लगभग, तो उसको चलते हैं ड्रॉप करते हैं, ऑर्डर डिलीवर करते हैं, तो देखते हैं कितनी अर्निंग होती है हमारी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अभी दोस्तों हम लोग ने यहाँ पर आके कस्टमर को जो पार्सल था वो डिलीवर कर दिया, फूड डिलीवर कर दिया है और हमें रैपिडो ने दिए इसमें 70 रुपये, बोला था 77 रुपीज़ मिलेंगे, बट उसने 7 रुपये के साथ धोखा कर दिया, 7 रुपये में 7 रुपये घटा दिए उसने, 70 रुपये दिए मुझे। दोस्तों अब निकलते हैं नेक्स्ट राइड के लिए, वेट करते हैं कितनी देर में आती है, वैसे यहाँ तो मिलना नहीं ना, वापस वहीं जाना पड़ेगा अपने जोन में, अजयगंज साइड थोड़ा जाएंगे तो वहीं पे मिलेगा राइड, तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगली राइड क्या कितने की आती है, तो देखते हैं। दोस्तों जेल रोड की तरफ हैं, बस निकले ही थे थोड़ी देर, थोड़ी दूर के लिए निकले थे कि एक राइड और आ चुकी है, एक फूड ऑर्डर और आ चुका है यहाँ से, बस 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, पिक करना है उसको। और दोस्तों एक बार मेरा मोबाइल होल्डर आ जाए ना तो मैं बहुत पूरी फुल वीडियो शूट करूं और एक मोबाइल भी मेरे पास आ जाए जो मेरे ख्याल थोड़ा वीडियो में इम्प्रूवमेंट आएगा अच्छा खासा, तो
तो दोस्तों बहुत बढ़िया वीडियो आएंगी, आपको मिलेंगी देखने को। बस आप वीडियो को शेयर करते रहिए, जिससे हम मेरा भी हौसला बढ़े और थोड़ा चैनल भी आगे भी बढ़े, उसके सब्सक्राइब बढ़े। दोस्तों तीसरा ऑर्डर जो है हम पिक करने के लिए आ चुके हैं। ये अपना यहीं पर है, ऑर्डर अभी रेडी हो रहा है, 7 से 8 मिनट लगेंगे, तो वेट करते हैं तब तक के लिए। दोस्तों ये है पार्सल, इसी को लेकर जाना है ऐसबाग के साइड। यहाँ से 8 किलोमीटर है लगभग, 8 नहीं 6 साढ़े 6 किलोमीटर है। तो दोस्तों इसकी कीमत जानते हैं, 192 रुपये है। वाह, क्या क्या लोग खाया करते, लोग रात भर भूखे रहते हैं क्या। चलते हैं दोस्तों यहाँ से, सही बताया था मैंने पहले ही कि 8 किलोमीटर है यहाँ से, तो चलते हैं, इसको ड्रॉप करते हैं। तो एक ही फ़ोन है तो रोड का भी सूट हो नहीं पाएगा, इसलिए मैप भी देखना ज़रूरी है, तो मैप देखेंगे और वहाँ पिक ऑर्डर जब ड्रॉप करते हैं तो दिखाते हैं आपको कितनी अर्निंग होती है। दोस्तों अभी हमने यहाँ पर ऑर्डर जो है डिलीवर लगा दिया है, और इसकी जो अर्निंग हमें होती है वो है 68 रुपीज़ की। तो अब नेक्स्ट राइड के लिए वेट करते हैं, वो राइड कब तक आती है तो थोड़ी देर वेट करेंगे, यहीं अगल बगल देखेंगे, और होम रूट पे जाते हैं, हो सकता है रास्ते में राइड मिल जाए, वरना फिर जिससे यहाँ चलते हैं होम रूट पे, और हो सकता है राइड अगर रास्ते में मिल जाती है, राइड मिल जाए या फूड ऑर्डर लग जाए, दोनों में से कोई भी आ जाए, तो वेट करते हैं। तब तक लिए यहाँ रुकना तो सेफ नहीं ना, तो चलते रहें उसके लिए ज़्यादा ठीक है। गाड़ी रात में है तो एक जगह रुकिए मत, आप गाड़ी ड्राइव करते रहिए, भले आप स्लो स्लो चलिए, बट गाड़ी कहीं भी स्टॉप मत करिए, सुरक्षित जगह पर स्टॉप करिए, बाकी आप चलते रहिए। और रात के समय दोस्तों ख़तरनाक भी है, सेफ अगर रहना है आपको तो आप गाड़ी ड्राइव करते रहिए, तभी आप सेफ रहेंगे। दोस्तों चारबाग से थोड़ी ही दूर आए थे कि राइड आ चुकी है, राइड में मिले, 2 बार राइड मिली दोस्तों, उसको मैंने कैंसिल कर दिया, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, तो मुझे करना था फूड डिलीवरी दोस्तों, रात में मुझे बिल्कुल भी राइड नहीं करनी थी कस्टमर की, तो फूड डिलीवरी मुझे करनी थी, तो अभी आ चुकी है, भोजनालय जाना है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं पिक करते हैं। दोस्तों हमारा पिकअप लोकेशन ये है, चलते हैं बालाजी भोजनालय। ये है दोस्तों खिचड़ी है इसमें, दोस्तों मसाला खिचड़ी लेके निकल चुके हैं, और चलते हैं इसको ड्रॉप करने के लिए, देखते हैं वो कस्टमर कौन है, और इसको ड्रॉप करते देखते हैं कितने पैसे लेते हैं दोस्तों। और पिछला ऑर्डर जो दोस्तों हम लोग चारबाग से मैं तो छोड़ के चलाया था, वो राइड बहुत बार बार 2 बार राइड आ चुकी थी, वो उसको लेकर आसियाना जाना था, बट मुझे मैंने जैसे पहले ही बताया आपको, मुझे कस्टमर को नहीं लेके जाना था, डिलीवर करना था, तो मुझे इसमें सिर्फ फूड ऑर्डर्स लगाने के लिए इस समय रात निकला हुआ हूँ। तो दोस्तों अभी देखते हैं इसको करते हैं, डिलीवर करते हैं, लोहिया पथ पर है, लोहिया पथ पर इसको ले जाना है, वहीं पर इसको ऑर्डर कर डिलीवर होगा। खिचड़ी है, लगता है किसी का पेट ख़राब है तो खिचड़ी खाएगा, वो मसाला खिचड़ी है। दोस्तों वीडियो हम इतनी अच्छी नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि मेरे पास फुल एक्सेसरीज नहीं ना, एक ही मोबाइल से वीडियो भी शूट करना है और मैप भी देखना है, ऑर्डर भी चेक करने हैं, और सारे काम जो है एक ही फ़ोन से करने हैं मुझको, इस वजह से वीडियो में थोड़ा थोड़ा इस तरह से कट मार के मैं अपनी वीडियो बना रहा हूँ। तो रास्ता आज का पता था मैंने, तो इसलिए रास्ते की वीडियो देख सकते हैं, अभी मैं शूट कर रहा हूँ, पिछली कोई वीडियो अभी तक का मैंने नहीं शूट करी, और ये शूट कर रहा हूँ मैं। दोस्तों अभी हमने खिचड़ी को डिलीवर कर दिया है, और हमारे जो बनते हैं यहाँ पर 62 रुपीज़ मुझे मिले हैं। अब नेक्स्ट ऑर्डर के लिए बढ़ते हैं आगे। खाली खाली चल रहे हैं, देख सकते हैं बगल से हमारे हवाई जहाज गया है, हमारे बगल से हवाई जहाज गुजरा है दोस्तों। दोस्तों यहाँ हजरतगंज आए हुए थे, तो अब यहाँ पर एक ऑर्डर मिला हुआ है, सबवे जाना है हमको, तो चलिए दोस्तों सबवे जाते हैं और रिसीव करते हैं ऑर्डर।
दोस्तों आ चुके हैं सबवे। अब यहीं पर मुझे ऑर्डर पिक करना है, तो अभी 11 मिनट का वेटिंग दिखा रहा है, तो वेट कर लेते हैं। फिर हमने ऑर्डर पिक कर लिया है और अब चलते हैं, इसको लेकर आदिल नगर जाना है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, फिर इसको ड्रॉप करते हैं। दोस्तों अभी भी हमने यहाँ पर एक जो फूड डिलीवर किया है, जिसके यहाँ से हमारे बनते हैं 58 रुपये। तो दोस्तों 58 रुपये हमें मिल चुके हैं और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट राइड के लिए। देखते हैं कितनी देर में राइड मिलती है, कब ऑर्डर लगता है नेक्स्ट ऑर्डर। तो चलते हैं होम रूट पे वापस। नहीं दोस्तों, अभी हम आदिल नगर आए थे, पिज्ज़ा जो है ड्रॉप किया उसको, पिज्ज़ा नहीं दोस्तों, वो पिज्ज़ा का ऑर्डर आया, तो वही बता रहा हूँ। तो जो अभी मैंने ऑर्डर यहाँ डिलीवर किया आदिल नगर में, उसके बाद जो 58 रुपये अर्निंग हुई थी मेरी, उसके बाद फिर थोड़ी दूर ही मैं आगे बढ़ा, जैसे कि 500 मीटर, तो एक राइड ऑर्डर और लग गया मेरा, जो पिज्ज़ा का है। यहाँ से 1.5 किलोमीटर लगभग जाना है मुझे। तो जो रेस्टोरेंट वाले हैं, तो उन्होंने एक फरमाइश करी है कि रास्ते में अगर कहीं चाय का होटल मिल जाता है तो वहाँ से चाय और एक बंद मक्खन ले आएँ। तो उनको रोज़ा खोलना था, तो पिज़्ज़ा खा नहीं सकते हैं, तो चाय और बंद मक्खन का चलेगा। अगर देखते हैं रास्ते में कोई होटल दिख जाता है तो ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं हमें। दो पहिए की गाड़ी चल चुकी है, ना कोई ब्रेक ना कोई थाम, बस चले जा रही है, चले जा रही है। दोपहर के नहीं, रात के 3 बज रहे हैं, 3:15, और हम यहाँ राइडे बटोर रहे हैं। इस तो पिज्ज़ा आ गया है मेरे हाथों में, और अब इसको डिलीवर करना है। यहाँ से 9 किलोमीटर है, चलते हैं दोस्तों इसको ऑर्डर डिलीवर करते हैं। दोस्तों रास्ते भर में चाय तो नहीं मिली, कोई दुकान खुली मिली नहीं, और तो पिज्ज़ा लेकर आ ही रहे थे, जो वहाँ का पिज्ज़ा वाला बनाने वाला, जो जिसने भी कहा था चाय के लिए ऑर्डर बनाया बताया था मुझे कि चाय ले आना वहाँ से, तो वो खुद ही मेरे साथ चला आया वहाँ, यहाँ पॉलिटेक्निक पर उतर गया वो, और यहाँ उसको चाय का होटल खुला मिल गया, और यहाँ पर चाय पी लेगा वापस चला जाएगा। फिर चलते हैं हम अपने ऑर्डर को, फूड को डिलीवर करते हैं। दोस्तों अभी हमने जो पिज्ज़ा हमने लिया था वो डिलीवर कर दिया है, और 72 रुपीज़ बनते हैं इसके हमारे, और चलते हैं नेक्स्ट राइड के लिए। तो दोस्तों वो बज गए थे 4:30, और राइड मैंने कर दी थी पूरी कैंसिल, ऑफ रूटी हो गया था मैं, क्योंकि काफ़ी नींद आने लगी थी। और जो हमारी अर्निंग होती है मैं आपको पूरा शो कर दे रहा हूँ, यहाँ पर देख लीजिएगा। 11:30 बजे से मैं ऑनलाइन हुआ था, और 4 बजे मैंने ऑफलाइन कर दिया था, तो इसमें देख लीजिएगा कितनी रात की अर्निंग है, और दिन सुबह के वक्त भी थोड़ा ऑनलाइन था, तो वो भी इसमें मेंशन कर दूंगा, और रात की जो फूड डिलीवरी करी से मैंने वो भी मेंशन कर दे रहा हूँ, अब देख लीजिएगा पूरा। दोस्तों ये फाइनली हमारा जो अर्निंग आ जाता है 421 रुपये 85 पैसे, और ये लास्ट अर्निंग जो मैंने बताई थी 3:45, 72 रुपये अर्निंग हुई थी, और इतनी अर्निंग है दोस्तों। इसमें से 150 रुपये का लगभग पेट्रोल लग चुका होगा, और 421 रुपये जो आया हम लोगों का इतना अर्निंग है, और 150 रुपये का इसमें पेट्रोल लग चुका है। दोस्तों वीडियो कैसे लगी बताइएगा कमेंट करके ज़रूर।